हमारे साथ सर उत्तरी के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। रविंद्र जी, पहले आप उंगली दिखाई जो मतदान किए हैं, और इस बार क्या लग रहा है? पूरा काशी विकास के कार्यों से अपने को संबद्ध करके ये चुनाव लड़ रही है। जितना हमारे मेहनत कार्यकर्ता कर रहे हैं, उससे अधिक जनता निकल करके माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के विकास कार्यों को अपने से संबद्ध करके यहाँ मतदान कर रही है। और शायद इस बार यूपी के अंदर 350 से प्लस करेंगे। आपको जनता ने 2012 में चुना, 2017 में चुना, लेकिन 2022 की जो लड़ाई है कांटे की बताई जा रही है। हमने कहा कि 2022 के चुनाव में सपा, पिछले बार लोकसभा चुनाव में सपा केवल समेट गया था, बाप बेटे का सब हार गए थे, पत्नी भी हार गई थी नेताजी की, और इस बार और कांग्रेस का भी जो साहबजादा है वो हार गए थे। यह इस बार उसको और आगे बढ़ाएगा, पूरी तरह से जनता उनको नकारेगी। विपक्ष कह रही है कि पीएम मोदी को आना पड़ रहा है, कि उत्तरी और दक्षिणी कई ऐसी सीट हैं जो कांटे की टक्कर है, पीएम मोदी को कमान संभालना पड़ा। माननीय मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, और सांसद होने नकार से काशी में अक्सर आते हैं, और शायद देश के इतिहास में पहला से कोई प्रधानमंत्री है जो अपने लोकसभा क्षेत्र में इतना दौरा करते हैं। जब वो काशी में आते हैं तो ऐसे सांसद होकर काम हो जाते हैं, और पूरा बनारस और काशी में रहते हैं। तो ये हमारे साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल थे, जिन्होंने मतदान करके इंडिया न्यूज़ से बात किया। आकाश यादव, इंडिया न्यूज़।